Hello grade 5 students, welcome back to your maths class. In this video we'll continue with explanation and textual exercise portion of chapter number 10, tens and hundreds. On page number 141 we have some questions. Question number 8, can we say 10 on 100 is equals to 1 on 10 is equals to 0.10 is equals to 0.1. ठीक है, तो हम आंसर में देखेंगे येस वी कैन से 10/100 इज इक्वल्स टू 1/10. ठीक है, हम 10/100 लिखते हैं, उसमें पीछे क्या है, एक एक जीरो कॉमन है, तो अगर हम उस जीरो को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/10. ठीक है, अब 1/10 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.10. ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा, 0.10. अब 0.10 में से अगर हम लास्ट का जीरो एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या बचेगा, 0.1. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. डोंट गेट कंफ्यूज, 0.10 इज द सेम एज 0.1. रिमेंबर 50 पैसे इज ₹0.50 एंड ऑल्सो ₹0.5. ठीक है, क्या बोला है कि हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, हम 0.10 को 0.1 भी लिख सकते हैं. वाई, बिकॉज अगर हम 50 पैसे का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम उसे ₹0.50 भी बोल सकते हैं या फिर ₹0.5. ओके, क्वेश्चन 9, थिंक कैन वी राइट 10 पैसे एज 0.1 ऑफ अ रुपी. क्या हम 10 पैसे को 0.1 ऑफ अ रुपी बोल सकते हैं? आंसर, येस वी कैन राइट 10 पैसे एज 0.1 ऑफ अ रुपी. हम 10 पैसे को 0.1 ऑफ अ रुपी बोल सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 10, हाउ मेनी बॉक्सेस आर रेड, वॉट पार्ट ऑफ शीट इज दिस 15/-. क्या बोला है कि कितने बॉक्सेस रेड कलर के हैं? ठीक है, वॉट पार्ट ऑफ द शीट इज 15/-. ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने बॉक्सेस थे, 100. उसमें से 15 बॉक्सेस जो हैं वो रेड कलर के हमें ऑलरेडी दे दिया है, 15/-, यानी टोटल में से 15 बॉक्सेस रेड कलर के हैं. टोटल कितने हैं, 100. कैन वी ऑल्सो राइट इट एज 0.15 ऑफ द शीट. क्या हम इसे शीट का 0.15 है ऐसा हम लिख सकते हैं? आंसर, 15 बॉक्सेस आर रेड. ठीक है, जो शीट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी उसमें 15 बॉक्सेस रेड कलर के हैं. इट इज़ द 15/100th पार्ट ऑफ द शीट. वो क्या है, रेड कलर जो है वो शीट का 15/100th पार्ट है. येस वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.15 ऑफ द शीट. हम उसे शीट का 0.15th पोर्शन बोल सकते हैं, यानी कि जो रेड कलर है वो शीट का 0.15 पोर्शन कवर कर रहा है. नाउ क्वेश्चन 11, नाउ 3/100 ऑफ द शीट इज ब्लैक. वी कैन से 0.- इज ब्लैक. अब हमें बताया है कि शीट का 3/100 पार्ट जो है वो ब्लैक है, तो हम उसे पॉइंट लगा के कैसे लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे या 0.03 लिखेंगे? हम 0.03 लिखेंगे. वाई, बिकॉज देर आर टोटल 100 बॉक्सेस, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए. ठीक है, 100 में 2 जीरोज़ होते हैं, इसीलिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 0.03. नाउ 300th ऑफ द शीट इज ब्लैक. वी कैन से 0.03 शीट इज ब्लैक. क्वेश्चन 12, हाउ मेनी वाइट बॉक्सेस आर देयर इन द शीट. टोटल शीट में कितने वाइट बॉक्सेस हैं? ठीक है, तो हम अभी जाएंगे शीट पे, जो शीट हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी उसमें. अब ये जो शीट है इसमें कितने बॉक्सेस वाइट कलर के हैं, काउंट इट. ओके, कितने बॉक्सेस हैं वाइट कलर के, 20
टू, देर आर 22 वाइट बॉक्सेस इन द शीट. कितने वाइट बॉक्सेस हैं? 22. वॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड शीट इज वाइट, यानी ये जो सेकेंड शीट है जिसमें बॉक्सेस बने हुए हैं उसका कितना पार्ट वाइट है. तो अभी हमने देखा 22 बॉक्सेस वाइट हैं. टोटल कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? 100. तो हमारा आंसर होगा 22 अपॉन 100th पार्ट ऑफ द सेकेंड शीट इज वाइट. क्वेश्चन 14, मेक योर डिज़ाइन. अब हमें हमारी टेक्स्ट बुक में दो ग्रिड दी गई है, हमें उसमें अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस वी हैव टू मेक सम डिज़ाइंस यूजिंग द कलर. मेक अ नाइस डिज़ाइन बाय कलरिंग 0.45 पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर रेड. अब जो फर्स्ट ग्रिड दी है हमें उसमें रेड कलर यूज़ करके 0.45 पोर्शन कवर करना है. 0.45 यानी कितना होगा? ये शीट में कितने बॉक्सेस हैं? 100. ठीक है, तो 0.45 यानी कितने बॉक्सेस को रेड कलर करना है? 45. ठीक है, तो आप कोई भी 45 बॉक्सेस में रेड कलर फिल कर सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड वन, यूज़ 4 कलर्स. ईच कलर शुड कवर 0.05 ऑफ दिस स्क्वायर. अब ये जो ग्रिड हमें दी है, हमें बोला है कि इस ग्रिड में हमें 4 कलर्स यूज़ करने हैं. ठीक है, कितने कलर्स यूज़ करने हैं? 4. हर एक कलर जो है वो 0.05 कवर करना चाहिए ये स्क्वायर का. ठीक है, 0.05 यानी 5 बॉक्सेस, क्योंकि आगे 0 है बाद में 5 है. ठीक है, तो हर एक कलर, हमें 4 कलर्स यूज़ करने हैं और हर एक कलर से 5 बॉक्सेस को फिल अप करना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. टिल देन, बाय बाय.